सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज हम भारतीय सड़क रॉयल्टी अशोक लैंड के आकर्षक दिनों में गोता लगाएंगे। हम मेरे साथ जुड़े क्योंकि हम इतिहास उपलब्धियों और नवाचारों को पता लगाएंगे जिन्होंने अशोक को बनाया। लैंड भारतीय सड़कों का सच्चा राजा। आइए शुरुआत करते हैं। हमारी कहानी 1948 में शुरू होती है, जब ऑस्ट्रियन मोटर कंपनी के सहयोग से अशोक मोटर्स की स्थापना की गई थी। यह कुल लेखनी यात्रा की शुरुआत थी जिसने भारत के ऑटोमेटिक प्रदेशों को पार किया। वर्षों के दौरान अशोक लैंड विकसित हुआ और विकास करता भी चले गए। इसने देश के दिल सड़कों पर कब्जा करा। नवाचार और गुणवत्ता के प्रति कंपनी को की प्रतिबद्धता ने इसे एक बहुत ज़्यादा अच्छा विश्वसनीय और विश्वसनीय ब्रांड के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई। अशोक लैंड की साधारण विशेषताओं में से एक नवाचार के प्रति इसकी प्रतिबद्धता है। भारत के पहले डबल डेकर बस पेश करने से लेकर यूरोप 6 अनुपालन वाले अग्रणी वाहनों तक कंपनी ने लगातार सीमाओं को आगे बढ़ाया। अशोक लैंड का प्रभाव भारत की सीमाओं से परे तक फैला हुआ। 50 से अधिक देशों में वैश्विक उपस्थिति के साथ कंपनी के वाहनों पर भरोसा किया जाता है और दुनिया भर में इसका उपयोग भी काफ़ी तेजी से किया जाता है। आधुनिक युग में अशोक लैंड स्थिरता और इलेक्ट्रिक गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित कर रही है। नवाचार के मामले में सबसे आगे बना हुआ है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने और हरित परिवहन समाधान बनाने की उनकी पहली प्रेरणादायक विचार है। व्यवसाय से परे अगर देखा जाए, अशोक लैंड की सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता है। शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामुदायिक विकास में उनकी पहली सकारात्मक प्रभाव डालने के प्रति उनके समर्थन को दर्शाती है। ऑटोमेटिक उद्योग में अशोक लैंड के योगदान पर किसी का ध्यान नहीं गया। कंपनी को विनिर्माण, नवाचार और स्थिरता में अच्छा बनाने के लिए कई पुरस्कार और प्रशंसाएं भी मिल चुकी है। आगे देखते हुए अशोक लैंड ने भविष्य में अपना ध्यान केंद्रित ध्यान से अपना फोकस किया हुआ इलेक्ट्रिक गतिशीलता और डिजिटलीकरण और वैश्विक विस्तार पर ध्यान देने के साथ कंपनी लगातार विकसित हो रही है। ऑटोमेटिक प्रदर्शन में एक प्रमुख खिलाड़ी बनी हुई है। आज पास यही है दोस्तों, भारतीय सड़कों के राजा अशोक लैंड की मनोरम कहानी। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई, कि तुमने कम समय काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस किया। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस तरह की वीडियो दोस्तों हम और भी बनाएंगे ताकि हमें मोटिवेट भी मिले। अगर आप दूसरे वीडियो को लाइक करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करते हैं।